मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद पहली बार इंटरव्यू में बेबाकी से बात की है। मोहन यादव से यूसीसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जैसा केंद्र कहेगा हम वैसा ही करेंगे, उस आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने की जानकारी आने वाले समय में मिलेगी। अभी इस बात से संतोष करना होगा कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल ला रही है। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर एयर एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विमानन विभाग को संबंधित प्रस्ताव तैयार करने और टेंडर बुलाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन हिंदी विषय का पेपर था। प्रदेश भर में 3,868 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर करीब 9.92 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार रिटायरमेंट की उम्र को 65 वर्ष करने का ऐलान कर सकती है। रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की पहल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई है। इस मामले में वित्त विभाग से अभिमत मांगा गया है। राजेश गुप्ता बने इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर। मकरंद देउस्कर डेपुटेशन पर केंद्र गए, बीएसएफ में बने आईजी। पुलिस मुख्यालय इंटेलिजेंस में पदस्थ अनुराग को बनाया इंदौर रेंज का डीआईजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित संघ के अन्य प्रमुख पदाधिकारी एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो मुरैना और उज्जैन में होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बैठक 6 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगी।